नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। सावधान सब जगह आवश्यकता है, मामूली काम में भी सावधानी आवश्यकता। सावधान नहीं है तो प्रमाद होगा। फिर सावधानी की आवश्यकता है, छोटे छोटे काम में भी सावधानी नहीं तो बड़े से बड़े भी। आपने मन में कोई बात है? मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। आपको एक कुछ बता दें, कुछ कह दें। महाराज जी, देखो है का अनुभव करने पर काम को लोग मिट जाते हैं। इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो है कि ऐसी ताकत है जिसमें काम को लोग पैदा होते ही नहीं। कैसे बात आई बताओ, है कि अनुभव में क्या बात है? काम को कैसे लोग काम को तो जो वेग आवा है को अनुभव जब नहीं हुआ उसी टाइम में काम को तो वेग आवा। हाँ तो बोला नहीं होने से है ना। तत्व का अनुभव न होने से काम को के वशीभूत होता है प्राणी। अगर ये ठीक समझ में आया हुआ तो याद हो गया। तो है कि अनुभव में कैसे बाधा आई? हाँ तो वो बात अलग हुई भाई। काम क्रोध के वेग कैसे रोके ये बात दूसरी हुई है कि अनुभव में नहीं आ सकी। ये चीज अलग है, उस अलग है। नारायण नारायण नारायण। देखो है नहीं दो चीज, एक तो है एक नहीं, दो चीज है। ना सुतो वित्तीय भाव ना भाव वित्तीय सुत, असुत भाव न वित्तीय। जो नहीं है उसमें सत्ता नहीं है और है उसका अभाव नहीं है। तो काम क्रोध आदि दोष पैदा होते हैं जो नहीं है उसको है मानने से। है को है मानने से ये मर जाते हैं, ये रहते नहीं, टिकते नहीं। इनमें खुद में टिकने की ताकत नहीं है। है मैं कभी व्यवधान नहीं होता, पर काम क्रोध लोभ भाव कभी टिकते नहीं, ठहरते नहीं। कितना ही बड़े द्वेष से काम आवे, क्रोध आवे, लोभ आवे, वो मिट जाता है। बिना उद्योग मिट जाता है, मिटावे तो मिट जाए, नहीं मिटावे तो भी मिट जाते हैं। लड़का जब शांत हो जाता है, मर जाता है, तो उस क्षण जितना दुख होता है उतना तीन दिन के बाद नहीं, तीन महीने के बाद, तीन वर्षों के बाद तो रहता ही नहीं। और उस समय भी आता है जोर से, तो उसमें भी बीच में वो शोक नहीं रहता है। बाद में प्रसन्न प्रांश भी देता है, राजी भी हो जाता है। ऐसे क्रोध हरदम कहाँ रहता है? घंटा दो घंटा भी नहीं रहता है। लोग भी भक्त पर आता है, भक्त पर उदार भी हो जाता है, नहीं रहता है। तो ये दोष है, ये उत्पन्न होने वाले है, नहीं है ना। ये तो मान्यता से सता दिए नहीं को, और है वो स्वतः सिद्ध है, और है उसमें कभी व्यवधान नहीं आता। क्रोध आता है, कामना होती है, लोभ होता है, तब भी है में फर्क पड़ता ही नहीं। है जो का जो रहता है,
ये वेग आज चले जाते हैं, वो है ही नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देगी है सो दिखे ना। तो एक बात सिर्फ आप ध्यान दें, कितने काम क्रोध लोभ मोह आदि आ जाए, कैसे काम में आप लगे रहो, अपने आप का अभाव होता है क्या आपका, बताओ। बड़ी भारी कामना होने पर भी आप स्वयं नहीं रहते हो क्या? कभी अभाव नहीं होता, अपने आप का अभाव नहीं होता कभी। अपने आप के अभाव का अनुभव किसको हुआ हो, कभी हुआ हो बताओ? कैसी अवस्था में, कैसी परिस्थिति में, कैसे मैं स्वयं मैं हूं, इस हैपने का, इस सत्ता का अभाव कब होता है? नहीं होता। काम क्रोध आदि भी आ जाते हैं, परंतु है का नाश नहीं होता, है रहता है जो कहते। अगर है न रहे तो काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, गया, मिट गए, उत्पन्न हुए, नष्ट हुए, इनको जानेगा कौन? जानने वाला नित्य है, ऐसी आने वाले अनित्य है, उत्पन्न और नष्ट होते हैं। अब खूब ख्याल करो, अपना अभाव नहीं होता है, जिसका अभाव नहीं होता वो उसको ही है कहते हैं। असत की तो सत्ता नहीं है, इतना अभाव भी देते हैं, सत्ता सदवस्तु का अभाव नहीं होता, कभी नहीं होता। तो है का कभी नाश नहीं, है तो है जो का क्यों रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। आप थोड़ा विचार करो, ये संसार है, ये दिखता है, ये शरीर है, ये मकान है, दिखता है। तो शरीर स्थाई नहीं रहते, मकान स्थाई नहीं रहता, पर तो है कभी मिटता नहीं। प्राणी की गलती क्या होती है, वो जिसे सज्जन ने कहा ना सावधानी, तो असावधानी के कारण से दोष पैदा होता है। और असावधानी भी रहती नहीं है मित्र, असावधानी को हम पकड़ रहते हैं, सावधानी है तो असावधानी भी टिकती नहीं, तो है पर दृष्टि रहेगी तो असावधानी नहीं होगी। कभी नहीं में है बुद्धि करते हैं तभी असावधानी होती है, तभी काम क्रोध लोभ आदि की वृत्तियां पैदा होती है। है की जगह नहीं को सत्ता दे देते हैं, जो नहीं है इसको जानते हैं हम। ये बात इसमें छिपी हुई है कि ये शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, संसारी जितनी वस्तुएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, ये रहने वाली नहीं है, ये कौन नहीं जानता है बताओ? तो गलती क्या होती है कि हमारी जो जानकारी है इसका निरादर करते हैं। हर समय रहने वाली जो चीज है उसको निरादर कर देते हैं, आगंतुक चीज है, उत्पन्न नष्ट होने वाली चीज है उसको महत्व देते हैं, उसका आदर करते हैं, ये गलती होती है। संसारी कितनी बढ़िया बढ़िया चीज हो, आगुआ पाए वाले आने जाने वाले हैं, आने मिटने वाले हैं, रहने वाले नहीं है। और परमात्मा तत्व है वो मिटने वाला नहीं है, वो है जो का त्यों रहने वाला है, सदा रहने वाला अटल।
स्वाभाविक। संसार कभी रहने वाला नहीं और है जो परमात्मा तत्व तो वो जाने वाला नहीं। नहीं को हम है मान लेते हैं, जिसको हम जानते हैं कि नहीं है उसको है मान लेते हैं। बड़ा दूर से नहीं आता है। धन हरदम नहीं रहता, जवानी हरदम नहीं रहती, संयोग हरदम नहीं रहता, मन चाहे चीज होती है चल जाती है, नहीं रहता, रहता ही। ये सच्ची बात है कि नहीं बताओ? ये चीज रहने वाली नहीं है, मिटने वाली है। मिटने वाली को है मान लेते हैं, ये गलती होती है। हरदम ख्याल है कि ये संसार परिवर्तनशील है। प्रत्यक्ष आप और हम एक दिन बालक थे, आज अपने आप को आप बालक कैसे हो गया? स्वयं पर अपने बच्चा कह रहे, हम तो बच्चा है, हम तो बालक है, ऐसा कहते थे स्वयं। वो आज स्वयं अपने को बालक नहीं कह सकते। कहां रहा बालक? सब संसार बड़े तेज से बदलता है। इस बदलने वाले को है मान लेते हैं, इससे काम अखोज लोग पैदा होते हैं। बिल धारणा से ये रहेगा नहीं, रहा नहीं, रह सकेगा नहीं। अव्यक्त आदि नहीं भूता नहीं, व्यक्त मध्या नहीं, और अभक्त निधना नहीं। अव्यक्त व्यक्त सर्वा प्रबंध, अव्यक्त से ही व्यक्त पैदा होते हैं, निराकार से ही साकार होते हैं, ये साकार हो फिर निराकार हो जाते हैं। सदा ऐसी चीज चल रही है थी। अब उसको क्या आप मान तो क्या गए? आप वहां पाई में अनित्य, आने वाले हैं अनित्य है, जाने वाले हैं अनित्य है, रहने वाले नहीं है, इनको सह लो। सांस्कृतिक सहना क्या है कि आप विकार मत लाओ, इनके उत्पन्न होने पर आप राजी मत हो, नष्ट होने पर नाराज मत हो। ये तो सब जानना चाहिए, उत्पन्न हुए नष्ट होने वाले। एक देखो नियम की बात बता, पैदा होता है ना उसका खास नियम है नष्ट होगा। कई बार उदाहरण दिया है, जैसे एक बालक पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा संदेह है, इसका ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इसके बाल बच्चे होंगे कि नहीं वो संदेह है, ये धनी होगा कि नहीं संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें सब बातों में संदेह है, पर मरेगा कि नहीं मेरा संदेह है। निसंदेह बात में संदेह करते हो और प्रेम करते हो, हम मरे नहीं कभी। अरे उत्पन्न हुआ तो जरा ही मरेगा, जाते सिर धो मिश्री हो। बच्चा पैदा होता है तो सब बातों में संदेह होता है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह होता है क्या? ये मरेगा नहीं भी मरेगा, निस्संदेह बात है कि ये नाशवान चीज है, नाश होगी। इनको नाशवान कहते हैं ना। धनवान आदमी होता है तो धन के कारण से वो धनवान है, धन नहीं हो तो धनवान कहेगा कोई उसको? धन न होने पर धनवान कहेगा? तो धनवान के पास में अगर कुछ विशेषता है तो धन की है, और क्या विशेषता हो? धनवान के पास में कुछ विशेषता है तो धन की है, और कुछ है? ऐसे नाशवान के पास में नाश के सिवाय कोई तत्व है क्या?
विद्वान है तो विद्या के कारण से विद्वान है, ये धन के कारण से धनवान है, धन के कारण से वो धनवान कहलाता है। ऐसे संसार नाशवान है तो नाश ही तो इसके पास वो चीज है, और इसके सिवाय क्या तत्व है आप बताओ। जैसे धनवान के पास धन के सिवाय और कोई महत्ता की चीज है, ऐसे संसार नाशवान है तो नाश के सिवाय तत्व क्या है इसमें। गीता ने जो कितनी भीषण बात बताई है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग का जो वियोग है उसका नाम योग है, और समत्वम योग उच्चते, जो परिभाषा करी योग की दो दिन परिभाषा आई है। तो संसार के अभाव को भी योग कहते हैं और परमात्मा की सत्ता को भी योग कहते हैं। सत्ता मान लो तो सत्ता स्थिर रहेगी, ये स्थिर रहेगा नहीं, और ये असत है असत मान लो इसकी सत्ता स्थिर रहेगी नहीं, चाहे ये नाशवान है ये मान लो, चाहे परमात्मा अविनाशी ये मान लो, दोनों ठीक मानोगे दोनों में एक हो जाएगा। उभयोर और विनिष्ठ दोनों को अंत वो एक है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोर विदिष्टोदर्शी तत्वदर्शियों ने दोनों का अंत देखा है, अंत दो नहीं है, सत सत दो है पर अंत दो नहीं है, अंत नाम निष्कर्ष इसका तत्व एक ही है। नाशवान मिट जाएगा तो तत्व रह जाएगा, अगर तत्व को मान लो तो नाशवान नष्ट हो जाएगा। ख्याल किया ना आपने, ध्यान दिया, नाशवान हुई जो नाश है जिसमें, नाश होना जिसका तत्व है, इसका खास सार चीज है। जैसे धनवान का धनी सार है, धन नहीं हो तो कोई धनवान कहेगा ही नहीं, ऐसे नाशवान नहीं हो वो संसार कोई कहेगा ही नहीं, कैसे कहेगा बताओ। तो नाशवान मानते हैं पर तो नाशवान को स्वीकार नहीं करते, भीतर में दृढ़ता से ये नष्ट होने वाला ऐसा नहीं मानते हैं, है ऐसा मानते हैं। ये गलती यही होती है, अपने ज्ञान का आप खुद निरादर करते हैं। बस सावधान ये रहो, अपने ज्ञान का अपने जानकारी का निरादर मत करो। संसार सब नाशवान है, परमात्मा सदा अविनाशी है, उसका कभी अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, और कभी अभाव हो सकता नहीं, और नाशवान उसकी सत्ता कभी हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और सत्ता की हुई नहीं सकती, है हो ही कह सकता है ही नहीं। नहीं को है मान लेते ये गलती होती है, नहीं को है मानने से है रूप से है नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमारी दृष्टि नहीं को है की तरफ लग गई, अब है कैसे दिखे, कौन देगा है को, नहीं को ही महत्व देते हैं, नहीं को है मान महत्व देते हैं, महत्व इसका आदर करते हैं, इसको महत्व देते हैं, ये बात है। सावधान यही होना है कि भाई ये नाशवान है, रहेगा नहीं। जैसे कोई खेल करते हैं तो खेल में दो बनते, दो पार्टी बनते हैं तो उसमें पार्टी की अपने उस पार्टी की विजय, किसी व्यक्ति की विजय हो तो उस पार्टी की विजय, और इसमें किसी व्यक्ति की विजय तो इस पार्टी की विजय, एक की विजय से पार्टी की पार्टी विजय मानी जाती है,
हार जाने से हार मानी जाती है। तो सत रस दो चीज है, उसमें असत्य की ही हार है, सत की हार हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, कभी उसका विनाश नहीं हो सकता। तो है उसका न्यायालय करते हैं और नहीं है उसका आदर करते हैं, ये गलती होती है। आज से ये ख्याल रखा जाए कि नाशवान को महत्ता क्या दे, उपयोग करो उसका, सब उपयोग करो, स्थाई मत बनो, और उपयोग करने में गलती मत करो। और उपयोग करने में गलती तभी होती है जब उसको महत्व देते थे। धन उपार्जन करो, उसकी रक्षा करो और उसका सदुपयोग करो, कोई दोष नहीं है। धन को स्थाई मानते हो ये दोष है, स्थाई धन रहा नहीं, आप रहोगे नहीं, ना शरीर स्थाई रहेगा ना धन स्थिर रहेगा। इसको महत्व भी मत दो, दुरुपयोग भी मत करो, इतनी भी सावधानी जरूरत है। नाशवान को स्थाई मत मानो, दुरुपयोग मत करो, खराब खर्चा मत करो, फालतू खर्चा मत करो, उपयोगी मत सके कंजूसी मत करो, कृपणता मत करो, क्योंकि यह रहने वाला है नहीं, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं, ये तो आप पहले थे नहीं रहोगे नहीं, इसका संबंध नित्य रहने वाला है ही नहीं, इसमें कोई संदेह तो बोले इतना वैसे बताओ। जन संपत्ति वैभव पद अधिकार कभी स्थाई रहा है क्या? किसी का भी स्थाई रहा है क्या? कभी ये स्थाई रह सकता है क्या? कितना ही उपाय करो नहीं रहेगा। तो क्या उपाय करो? तो है जो जानो कभी नाशवान है, उपयोग करो, अच्छे से अच्छा उपयोग करो, व्यक्ति के साथ में बर्ताव अच्छा से अच्छा करो, पर ये व्यक्ति रहने वाला नहीं है, फिर दुराचार क्यों करो, दुर्व्यवहार क्यों करो, तिरस्कार क्यों करो, नित्य भी क्यों मानो? अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, नित्य बना रहेगा की बात नहीं है, तो सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, वो स्थाई मत मानो, इतनी बात है। अब इसमें कुछ शंका हो तो बोलो। अंत वंत इमे देहा नित्य श्योता शरीर, अंत वंत इमे देह, इमे देहा अंत वंत, अंत वाले हैं, नाशवान है, कितनी साफ बात एकदम स्पष्ट है। केवल कमी है उसको महत्व दे देते हो, नाशवान को ये कमी है, अविनाशी की तरफ ध्यान देते ही, अविनाशी है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, नाशवान उसको अविनाशी मानते हैं, ये अविनाशी मानने से अविनाशी की तरफ दृष्टि जाती नहीं, अविनाशी अविनाशी है, उसका नाश कभी होता ही नहीं। बताओ आपको इसमें शंका हो? केवल अपने को सावधान रहना है, सब काम करना है, परंतु नाशवान को अविनाशी मत मानो। अरे आप कितना ही अविनाशी मान लो ठीक है, नहीं कितनी महत्ता दे दो, कितना उसको स्थिर मानो, स्थिर रहेगा नहीं बिल्कुल। इस बार से सदुपयोग करो और उल्टी धारणा मत करो, बस ठीक है। नारायण 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 नारायण, ये बात है सारी। यह प्रवचन परम सद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा होश कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 4 दिसंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद गोविंद भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।